चलिए भाई आ जाइए, आज हम देख लेते हैं। मैंने बोला था कि रात तक मैं आपको 17th के भी करंट अफेयर प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट इधर बीच के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएं। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि लास्ट डे का भी क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो कौन हो जाएंगे? सज्जन जिंदल हो जाएंगे। आई थिंक सबको ही मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पहले ही पहले से पता भी आपको। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता यानी वर्ल्ड बेस्ट इम्प्लॉयज 2021 रैंकिंग जो पब्लिश की गई है, 750 ग्लोबल कॉर्पोरेट जिसमें रखे गए थे उस स्थान में, उसमें पहला स्थान किसको दिया गया, ये पूछा गया। कौन सी कंपनी से इस पर है? तो वो हो जाएगी दोस्तों साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग। सैमसंग ध्यान रखिएगा पहले स्थान पे हो जाएगी। अभी जो फोर्ब्स द्वारा वर्ल्ड बेस्ट इंप्लॉयज 2021 की रैंकिंग निकाली गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा किम ह्यून सुक जो है इसके कौन हो जाएंगे? तो किम ह्यून सुक जो हो जाएंगे इसके सीईओ हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो वो हो जाएंगे वो हो जाएगा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। जबकि अगर इंडिया से पूछा जाएगा तो इंडिया से रिलायंस ने टॉप 100 में जगह बनाई है, जो कि पूछा जा सकता है। तो अगर इंडिया से कंपनी मेंशन करेगा तो आप रिलायंस के साथ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कृषि और किसान कल्याण विभाग के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY और संयुक्त सचिव कृषि के मुख्य अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? वर्तिका शुक्ला, रितेश चौहान, एस एल त्रिपाठी या फिर राजीव शुक्ला। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? रितेश चौहान जी को। रितेश चौहान जी को सीईओ बनाया गया है मंत्री फसल बीमा योजना का, जो कि प्रधानमंत्री जो है फसल बीमा योजना है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इंटरनेशनल डे ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय हर साल दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 17 अक्टूबर को। प्लस आपको अभी जो है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी आई है, जिसमें हमारी रैंकिंग 101 है, जो कि पूछा जा सकता है, जबकि 2020 में हमारी रैंकिंग 94 थी, वो भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, कब हम सेलिब्रेट करते हैं भाई वर्ल्ड फूड डे? तो वो हो जाएगा जो है कि 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। जबकि पूछा जाएगा कि किसको वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया? तो वो हो जाएंगे शकुंतला हरक सिंह थिलसेट, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को वर्ल्ड फूड अवार्ड दिया गया था। थीम की बात करें दोस्तों तो सेफ फूड नॉर नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन इस बार का थीम था। किस फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप यानी सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीत लिया है? नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया या फिर अच्छा ये नेपाल दो बार दे दिया गया है। चले तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारत। भारत ने जो है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप यानी सैफ कप जीत लिया है। ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा आपको कि सैफ कप किसने जीता? तो वो जीता इंडिया ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है कि सैफ कप किसने जीता है? तो वो जीता है भारत ने, एक नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज टॉप द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज 2020 रैंकिंग ऑफ फोर्स अमंग इंडियन कॉर्पोरेट। देखिए अभी जस्ट ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भारतीय कॉर्पोरेट्स में फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता 2021 रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो वो कौन हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी। देखिए LIC का हेड पूछा जाएगा एमआर कुमार, टाटा कंसल्टेंसी TCS का पूछा जाएगा तो राजेश गोपीनाथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा तो दिनेश खरा, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज लॉन्च ऑटोमेटेड फ्यूलिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूफील। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि यूफील जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर आपका BPCL के द्वारा लॉन्च किया गया है या फिर ONGC के द्वारा लॉन्च किया गया, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका BPCL। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BPCL के द्वारा लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका BPCL, ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है आपको जो कि पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IBA के नव नियुक्त अध्यक्ष यानी IBA के नए अध्यक्ष कौन हुए? अगर पूछा जाएगा कि IPA के जो है नए अध्यक्ष कौन चुने गए, तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे AK गोयल। कौन हो जाएंगे? AK गोयल, जो IBA के यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माई पार्किंग एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय विच ऑफ द दीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। किस इनमें से किस नगर निगम द्वारा माई पार्किंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है हमारे अनुराग ठाकुर जी, उन्हीं के द्वारा माई पार्किंग एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है,
जो कि आपको पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर लीजिएगा, ये ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। हुनर हाट पहला विश्वकर्मा वाटिका किस स्थान पर स्थापित किया गया? द फर्स्ट विश्वकर्मा वाटिका एट हुनर हाट हैज बीन सेटअप कहाँ पे? पटना में, रांची में, रामपुर में या कोटा में? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। पहला विश्वकर्मा वाटिका हुनर हाट के अंतर्गत, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया, आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे? रामपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सार्वजनिक परिवहन रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विस इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन? वाराणसी, रांची, देहरादून या कोटा? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है, यानी उनका संसदीय क्षेत्र भी है, और वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में ध्यान रखिएगा फर्स्ट जो है आपका रोपवे सर्विसेज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट होगा, जो कि भारत में पहला है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया भी है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। युद्ध अभ्यास 2021 द सेवेंथ एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री, ठीक है, सॉरी इंडिया आर्मी और किसके बीच होता है, कि 2021 का जो युद्धाभ्यास है वो भारत और किस देश के साथ होता है? तो वो होता है यूएसए के साथ। यूएसए के साथ देखिए वज्र प्रहार हमारा होता है, युद्धाभ्यास होता है, कोपा होता है, रेड फ्लैग होता है, ये सब हमारा किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है, जो कि पूछा जा सकता है। सिंगापुर के साथ पूछा जाएगा तो बोल्ड कुरुक्षेत्र हो गया हमारा, सिम्बेक्स हो गया। नेपाल के साथ पूछा गया तो सूर्य किरण हो गया, जो कि पूछा जाता है। श्रीलंका के साथ पूछा गया तो मित्र शक्ति हो गया, स्लीनेक्स हो गया, ये हमारा श्रीलंका के साथ होता है। और यूएसए के साथ मैंने बता दिया वज्र प्रहार हो गया, रेड फ्लैग हो गया, कोपा हो गया, युद्धाभ्यास हो गया, ये सब हमारा किसके साथ होता है? ये यूएसए के साथ होता है। जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। हलीमा याकूब प्रेसिडेंट हो जाएंगे सिंगापुर के, नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, श्रीलंका का प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो दोनों राजपक्षे भाई भाई महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के जो है कि पीएम हो जाएंगे, और गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए 2021 सीकेपी, ठीक है, यानी सीके प्रहलाद पुरस्कार के विजेता कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट टीम, ध्यान रखिएगा सत्य नडेला, इससे पहले वाला जो सेशन लिया था उसमें मेंशन भी किया गया था सत्य नडेला का नाम, तो सत्य नडेला को जो सत्य नडेला टीम यानी माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड 2021 सीकेपी अवार्ड अगर पूछा जाएगा, यानी सीके प्रहलाद पुरस्कार, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम ने जीता, जो कि पूछा जा सकता है एक नंबर का। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? इंडियाज फर्स्ट स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग सॉल्यूशन हैज डेवलप्ड बाय विच इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटका? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा पहला ई वोटिंग समाधान भारत के लिए विकसित किया जा रहा है, जो कि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया स्वस्थ मुस्कान मोबाइल एप्लीकेशन? उम्मीद करूंगा कि आप इस जो है ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे, इसका हेड भी बता देंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है, और उनको भी रिसेंट में अवार्ड भी दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो मैं यही कहूँगा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। एंड अकेडमी पे भी मेरी फ्री क्लासेस चलती हैं, फ्री और पेड दोनों ही चलती हैं, तो फ्री क्लासेस के लिए आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाएगा विमरेश यादव सर्च करेंगे वहाँ पे, सॉरी अकेडमी सर्च करेंगे वहाँ पे, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, उसके बाद विमरेश@14 कोड अप्लाई करके उसको जो है कि स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर ड्राफ्टिंग सेशंस, अनलिमिटेड ई नोट्स, प्लस डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस, इकोनॉमिक बैच, एकलव्य बैच, रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, वन से लेकर 24 मंथ तक के ऑप्शन है जिसको आप वहाँ पे जो है कि ऐड कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे आप जो है विमरेश@14 कोड ऐड करेंगे तो उसमें भी 20% का ऑफ आपको मिल जाएगा, और आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। फिर से कहूँगा सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।